Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में और रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में। अगर आपके बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट अपने रेट्रोग्रेशन में है, यानी कुंडली के पंचम भाव में अगर कोई वक्री प्लेनेट अगर प्लेस्ड है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। फिफ्थ हाउस को जैसे हम जानते हैं कि फिफ्थ हाउस का संबंध क्रिएटिव चीजों से है, लव एंड रोमांस से है, और जो भी अचानक से गेन होता है हमारे जीवन में कि हमने किसी लॉटरी में पैसा लगाया, जुए में पैसा लगाया, मटके में सट्टे में पैसा लगाया और वहां से हमारे पास काफी पैसा, और जितनी भी क्रिएटिव चीजें होती हैं आपकी, चाहे वो डांस हो, ड्रामा हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो, उन सब चीजों का संबंध फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। फिफ्थ हाउस जो है वो फन का हाउस माना जाता है, यानी जहां पर आप मौज मस्ती लेते हैं। और बारहवीं के बाद की जो पढ़ाई होती है, जब आप कॉलेज में जाते हैं और दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्रिएटिव चीजों में पार्टिसिपेट भी करते हैं, तो वो सारी चीजें फिफ्थ हाउस से देखी जाती है। अगर कोई वक्री प्लेनेट आपके फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड होता है तो फिफ्थ हाउस की चीजों को वो बीच बीच में स्टक कर सकता है, यानी एक बार में चीजें नहीं होंगी, आपको उसके लिए बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। आपका किसी के साथ लव एंड रोमांस चल रहा है तो आप देखेंगे बड़ी बाधाएं आ रही हैं, बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, यानी प्यार जो है वो परवान नहीं चढ़ पा रहा है, उसके लिए आपको बार बार कोशिश करनी है। अगर आप किसी क्रिएटिव चीज में आना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, या जुआ या लॉटरी सट्टे में अगर पैसा लगाना चाहते हैं, या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो चीजों के लिए आपको बार बार मेहनत करनी पड़ सकती है, यानी तीन चार बार पांच बार प्रयास करने के बाद ही आपको बेनिफिट मिलता है। वक्री ग्रह का मतलब यह होता है कि जहां पर वक्री ग्रह बैठा होता है उस चीज में आपको बहुत मेहनत करनी है, बार बार प्रयास करना है और उसका रिजल्ट आगे चल के कई गुना ज्यादा बढ़ के मिलता है, तो ये अच्छी बात हुई। बट इसके लिए आपको फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट को भी देखना है। अगर कोई वक्री प्लेनेट आपके फिफ्थ हाउस में है, मान लेते हैं वक्री प्लेनेट आपका है मार्स, राइट, मार्स अपने रेट्रोगेशन में है, फिफ्थ हाउस में है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर केंद्र भाव में है, लाभ भाव में है, त्रिकोण भाव में है, तो अच्छी बात है। लेकिन फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सिक्स्थ हाउस में है, एट्थ हाउस में है, ट्वेल्थ हाउस में है, राहु शनि केतु के साथ है, या राहु शनि केतु का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ जाता है, या फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाता है, सन के साथ कहीं प्लेस्ड है, केंद्र भाव में है, या कहीं भी है सन के साथ प्लेस्ड है और बहुत ही क्लोज है, तो कई बार फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट भी हो सकता है। अगर उसकी प्लेसमेंट अगर सन के साथ है तो कंबस्ट भी हो सकता है, तो उसके चक्कर में क्या है, उसके चक्कर में आपको और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। बट वक्री प्लेनेट अगर आपके फिफ्थ हाउस में है तो शुरुआती जीवन में ये दिखाता है कि आपको काफी स्ट्रगल करना है फिफ्थ हाउस से संबंधित चीजों को लेके, लेकिन बाद में वो चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए फिफ्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने बताया कि वक्री प्लेनेट के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तो और थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। वक्री प्लेनेट अगर शनि के साथ बैठता है तब भी आपको और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, लेकिन राहु और शनि अगर वक्री प्लेनेट के साथ बैठते हैं, या फिफ्थ हाउस में राहु शनि का एस्पेक्ट पड़ता है, या फिफ्थ हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु शनि का एस्पेक्ट पड़ जाता है, तो शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल होता है, लेकिन आगे चलते आपको काफी बेनिफिट मिल सकता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि फिफ्थ हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट प्लेस्ड होता है तो हमें शुरुआती जीवन में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन प्रयास करने के बाद आपको वो चीजें प्रॉपर तरीके से मिल पाती हैं, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो, चाहे वो लव एंड रोमांस हो, चाहे वो क्रिएटिव चीजें हो, चाहे वो जुए सट्टे में जो भी आप पैसा लगाते हैं वहां से जो आप सोचते हैं कि मुझे बेनिफिट हो जाए, लेकिन जुए सट्टे में तो एक आध बार ही बेनिफिट होता है, बार बार तो पैसा वहां पर बर्बाद ही होता है, और स्टॉक मार्केट में अगर आप सोचते हैं कि पैसा लगाएं वहां से कुछ बढ़ के मिले, तो उन सब चीजों के लिए आपको बार बार प्रयास करना पड़ सकता है। तो गाइस आज मैंने आपको बताया कि अगर कोई वक्री प्लेनेट आपके बर्थ चार्ट के फिफ्थ हाउस में प्लेस होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। गाइस टेक केयर, लव यू ऑल।